बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? देखिए शारदा जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाने को मिल जा रहा है, कुछ दोस्त भी बन जाते हैं, और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप अपना ध्यान भजन कीर्तन में लगाइए। जैसी आपकी मर्जी। 15 दिन बाद आपको भले ही मेरी बात कितनी ही बुरी क्यों ना लगती हो, पर एक कड़वी सच्चाई समझ के ही सुन लीजिए कि इस आश्रम में हम बिजी बच्चों के अनाथ पेरेंट्स आ तो जाते हैं पर इतनी आसानी से वापस नहीं जा पाते। अरे शारदा जी, क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप पहले आराम करिए। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जी आपकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप आ सकते हैं क्या? मैं अभी मीटिंग में हूँ, आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ। अच्छा ठीक है। आपका बेटा अभी मीटिंग में है, वो थोड़ी देर में आएगा। आप वो सब मत सोचिए, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर आप आ सकते हैं क्या? यहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो गई है। हाँ ठीक है, आ जाइए। नमस्ते डॉक्टर साहब जी, बताइए क्या हुआ? जी अचानक से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जी मैं देखूँ। अच्छा ठीक है। ये दवाई आप एक सौ रुपए ठीक है डॉक्टर साहब। शारदा जी उठिए, आपकी दवाई का समय हो गया। आराम करिए।
अरे शारदा जी, आपको पता है हमारे परिवार में एक नए मेहमान आने वाली है। अच्छा? हाँ, वो अभी आती ही होगी। अरे आ गई आप जी। नमस्ते, मेरे मुझे शर्मा कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। नमस्ते, मेरा नाम सरस्वती है। मैं तो यहाँ 7-8 दिन के लिए आई हूँ। सुना शारदा जी, ये भी 7-8 दिन के लिए ही आई हैं। शर्मा जी, लगता है उनका बेटा भी बहुत बिजी है। मेरे लिए अब तो ये रोज का ही हो गया है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। अपने इसी भाव पे मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माँ की ममता के आगे फीका भगवान हो जाए, माँ की ममता के आगे फीका भगवान हो जाए, इस छोटे से मुंह से माँ के क्या गुणगान किए जाए। अगर प्यार और इज्जत इन्हें समय पे दी जाए, अगर प्यार और इज्जत इन्हें सही समय पे दी जाए, तो कोई भी माँ इन आश्रमों में क्यों जाए।